हेलो दोस्त सब, आज कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग विल बी इंफॉर्मेटिव बिकॉज आज जस्ट बीइंग अ फॉरेन स्टूडेंट इन बांग्लादेश, आज हम लोग जाए हम और मेरे कुछ जूनियर्स विल बी गोइंग फॉर गेटिंग आवर वीज़ा एक्सटेंशन। अभी हम मतलब मेरा आधा काम मेरे जूनियर्स ने कर दिया है और आधा काम बाकी है जो है पुलिस वेरिफिकेशन, जिसे करना होता है मालीबाग में, जिसके लिए अभी हम लोग जाएंगे। तो अभी आप लोग बैठ के वहाँ तक जाने का सफ़र देखिए, तब तक खैर एंजॉय द टाइम लाइन। यहाँ पे अंदर जाने के बाद फॉर्म जमा करना होता है सो और अलग अलग जाना होता है। तो अब आगे व्लॉग ये करेंगे तो आप देख लीजिए ये है। फोन जमा करना है ना, पता डी गो टू योर ऑफिसर जो आपको कॉल किया था। क्या है कि पुलिस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है एंड द डॉक्यूमेंट्स इज प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। सो वो डॉक्यूमेंट्स आफ्टर वेरिफिकेशन आपको 15 से 20 दिन बाद अगरगांव जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई किए थे वहाँ जाना होता है। और जाने के बाद थैंक्स हजाने के लिए, और वहाँ जाने के बाद आपको नया वीज़ा आपके पासपोर्ट पर चिपक जाएगा एंड उसके साथ वीज़ा इज एक्सटेंडेड। दैट्स इट। चुके हैं डोसा एक्सप्रेस में, अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, खाएंगे टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा लगता है। तो चलिए अंदर। हेलो, हाँ तो क्या बोल रहे थे हम कि हम लोग व्लॉग एंड करेंगे, तो व्लॉग एंड नहीं करके खाने का है। तो हम लोग आ गए हैं खाने, और जिस तरह आई एम एन इंडियन और इन ढाका इंडियन फूड मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं कहाँ, वीज़ा के एक्सटेंशन कराने के बाद हम लोग आए हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। समय तो अभी हो रहा है 4:50, तो वी कैन टेक लंच समथिंग लाइट, कुछ लाइट खाएंगे। और डोसा इस टाइम में ही लोग खाना पसंद करते हैं, गैस वैसे कभी भी खा सकते हैं बट इस टाइम में आई प्रीफर और मैनी माई लाइक मी प्रीफर। तो हम लोग आ चुके हैं अभी बेली रोड के डोसा एक्सप्रेस में। तो अब क्या डोसा खाएंगे यहाँ पे आके, बट ऑप्शन में आपके पास बहुत कुछ है लाइक डोसा उत्पम चाय स्नैक्स ड्रिंक्स बबल टी कॉफ़ी आइसक्रीम एंड कॉफी स्नैक। तो इतना कुछ आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। खैर हम तो अभी डोसा एंड चिकन रोल खाएंगे विच इज़ वॉट वी लाइक, जो चीज़ इंडिया में 50 में मिलता है वो यहाँ पे आपको। और रही बात म्यूज़िक की, म्यूज़िक बहुत अच्छी बज रही है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। खैर ओके, तो हम इन शॉर्ट अब वापस आते हैं ऑर्डर को। तो लेके चला गया, बट हमने किया क्या है, किया हमने चिकन एग रोल दो ड्रिंक्स, यहाँ पे नॉर्मल लोग देते हैं तो ड्रिंक्स ऑब्वियसली अपना खाना अंदर मिल जाए। और उसके साथ हमने किया है एक चिकन मोमो और डोसा खाने आए तो फिर कांट लीव इट आउट डोसा।
ये हैं ऋषभ, ये हमारे जूनियर है अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में ही। तो कैसा लग रहा है आपको खा के ये डोसा यहाँ का? क्रंची है, क्रस्ट बस थोड़े सांभर और चटनी का रिव्यू अच्छा नहीं है। ओके, ऑल टुगेदर बांग्लादेश में इससे अच्छा और कहाँ मिलेगा। ओके ओके ओके। और ये है मिस अनुष्का। तो मिस अनुष्का, आपको कैसा लग रहा है खा के यहाँ का डोसा? सॉफ्टनेस ज्यादा हो सकता था। ओके, थोड़ा कुड़ुक कुड़ुक ज्यादा हो गया। और ये जो दही जैसा चीज है ये क्या है? I think it's नारियल चटनी, but कुछ ज्यादा मीठा नहीं है। ओके, तो नॉट जस्ट मी, तो फिर और जो हमारे साथ हैं उन लोगों से आपने सुन लिया। फिर अगर मैं भी झूठ ना, अगर इफ आई एम सेइंग कुछ भी गलत, तो इनसे ही सुन लो कैसा लगा था। खैर, आपने सुना और आके ट्राई ज़रूर करना, किसी के बातों पे ना जाके। आपके टेस्ट बड्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है तो फिर आपको टेस्ट अलग लगेगा। सो इन्जॉय। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ऑर्डर किया था क्या हमने एग चिकन रोल, जैसा इंडिया में हमारे मिलता है चिकन रोल जिसे कहते हैं, जिसमें अंडा पहले से डाला रहता है। यहाँ पे वो काम नहीं है, यहाँ पे एग इज़ अलग, चिकन इज़ अलग। तो एग चिकन रोल आप ज़रा इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा। सॉस डाले रही है, आई डोंट लाइक सॉस, बट स्टिल अंदर में कुछ लग नहीं रहा है तो अंदर से पहले से डाल रहे हैं सॉस डालते हुए। और चिकन से भरा हुआ है और नथिंग लाइक इंडिया बट टेस्ट गुड। खैर, आप लोग आप टाइम लैप का मजा दीजिए और हम लोग खाते हैं। खाना वॉज गुड, अच्छा ही था। आके आप ट्राई कर सकते हैं बट ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा था। तो देर आर मेनी प्लेसेस कि जहाँ आप जाके अच्छे अच्छा खाना खा सकते हो, लाइक ऑथेंटिक इंडियन फूड। बट ये नहीं कहेंगे कि दिस इज ऑथेंटिक इंडियन डोसा। कंपेरेटिवली इट इज़ गुड, यू वोंट बी गेटिंग एनी अदर काइंड ऑफ डोसा लाइक मसाला डोसा और प्लेन डोसा एनीवेयर एल्स। बाहर आपको सब कुछ मॉडिफाइड मिलेगा, हियर इट वाज नॉट दैट ऑथेंटिक बट इट वाज सो सो कंसिडरेबल। हाँ, भले ही डोसा वाज लिटिल बिट पेपरी, नॉट दैट सॉफ्ट बट काम चला। अबाउट प्राइस रेंज मीडियम, क्या ही बोलेंगे। आप कहीं और जाओ तो इट इज़ लिटिल बिट मोर, थोड़ा 10-20% ज़्यादा, फिर 40% लेके ज़्यादा चलो तो यहाँ पे कम है। थिंग इज़ की मेनली धर्मुंडी एरिया, दैट इज़ द सेंट्रल एरिया, वहाँ पे ज़्यादा पैसा हर चीज़ का लगता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। और यहाँ पे वेली रोड में इट्स चीप, सो कंपेरेटिव टू द कॉस्ट इट वॉज कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ, यही बोलेंगे कि इट वॉज कॉस्ट इफेक्टिव। तो एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लाइफ में छोटा बहुत छोटा मोटा ब्रेक बनता ही है, मतलब यू नीड इट, क्योंकि बिना ब्रेक के आप कंटिन्यूस जा नहीं सकते। ये रास्ता ही ऐसा है कि यू नीड सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एंड ढाका में, जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में कहा था, खाने के अलावा देयर इज़ नो अदर सॉर्ट ऑफ आउटिंग। तो खाना ही सही और अब गाना सुनते रहिए और मज़े लीजिए। एहसान इतना सा कर दे, कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना।